चलिए, अब हम लोग, आज का हमारा सेशन था कि हम क्यूआर कोड कैसे बना सकते हैं अपने कंपनी के लिए। अपने कोई भी लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो उससे हम क्यूआर कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं और दे करके अगला से हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे और कहीं भी ग्रुप में हम ऐड करा सकते हैं, ये सीखेंगे। और आज हम लोग पीपीटी कैसे बनाते हैं और वीडियो एडिट कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और कल उसके विस्तार से हम लोग देखेंगे। तो चलिए, देरी न करते हुए हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे होम पे हैं, तो ये होम हमारा है। अब यहाँ से हम क्रिएट डिजाइन में भी जा सकते हैं, यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे क्यूआर कोड। देख लीजिए, यहाँ से भी हम क्यूआर कोड के बारे में जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे हम आ चुके हैं क्यूआर कोड जनरेट में। अब मान लेते हैं कि हम ए अपना कुछ आर्टवर्क भी होना चाहिए और यहाँ पे अपना कुछ लिखेंगे, जैसे डिजिटल फ्रीडम स्कूल। देखिए, कैनवा में लिखना और कलर चेंज करना ये सब बहुत आसान है, छोटा करना बड़ा करना इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक का बात नहीं है। अब इसे ना कलर भी आप चेंज कर सकते हैं बार कोड का, देखिए जैसा भी चाहें, तो ये ब्लैक रखना ही ठीक है, ब्लैक और व्हाइट में ही ठीक लगता है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, और यहाँ पे हम वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। अभी बड़ा में जो है ना मजा नहीं आ रहा है, तो इसे हम छोटा करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक क्लिक में जो है कि हमारा यूआरएल छोटा बड़ा भी हो जाता है, ऐसा फीचर दिया हुआ है। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक ये भी ले लेते हैं, आइकॉन भी ले लेते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिख ले लेते हैं। इसका ग्रुप, इसका कलर जो है कि हम व्हाट्सएप का कलर ऐसा होता है ना, हमारा अपना मैसेज जो है लर्न इम्प्लीमेंट बिल्कुल और ये तो रहना ही चाहिए क्योंकि अपना प्रिंसिपल जरूरी है और हमेशा ये होना चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सेम यहाँ चलिए, इस प्रकार से हम छोटा सा एक भी लिख चुके हैं और यहाँ पे हम अब इसको क्यूआर कोड जनरेट करने चलते हैं। तो हमें सबसे पहले ऐप में जाना होगा और ऐप में जा करके जो है कि यहाँ पे हमें सर्च करना होगा, क्यूआर कोड हमें यहाँ पे करना है। अब इस क्यूआर कोड को हम यहाँ पे ओपन करेंगे
और ओपन करने के बाद यहाँ पे केवल अपना लिंक दे देना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का हम यहाँ पे लिंक ले लाते हैं, केवल अपना लिंक यहाँ पे करना है और उसे जनरेट कोड कर देना है। और देखिए हमारा कोड यहाँ पे जनरेट हो चुका है, अब इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम अपना कोड लगा देते हैं और इसे छोटा बड़ा जैसा चाहे यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब सर बना लिए, इसी तरह से जो भी लिंक का हम क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं हम बहुत आसानी से 1 मिनट में क्यूआर कोड बना सकते हैं। या फिर हम देखिए अभी यहाँ पे एक लिंक और लिखे हुए हैं डिजिटल फ्रीडम स्कूल का, तो इस भी लिंक को यहाँ पे हम देखिए पेस्ट करते हैं और इसे जनरेट कोड। तो देखिए हमारा डिजिटल फ्रीडम स्कूल का भी क्यूआर कोड बन चुका है। तो इस प्रकार से जो है कि आप अपना क्यूआर कोड बना सकते हैं। अब इसी को जो है ना हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे इस ग्रुप के जगह में हम यहाँ पे अपना वेबसाइट का भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे विजिट विजिट वेबसाइट बाय क्यूआर कोड, ऐसा भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं और इसे भी हम छोटा कर देते हैं। अभी व्हाट्सएप ग्रुप को यहाँ पे हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार से और यहाँ पे हम करते हैं वेबसाइट, वेबसाइट लिंक। तो इस प्रकार से हम क्यूआर कोड बना लिए। अब इसी तरह से अगर स्कूल हो कॉलेज हो जिस भी चीज का अगर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सीताराम भगत, डिजिटल कोच। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में। इस तरह का और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।